नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण का चुनाव खत्म, अब प्रचार हो चुका है। ऐसे में नेताओं ने चुनावी मैदान में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई है, एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर नीतीश कुमार के आखिरी चरण के लिए आखिरी प्रचार के दौरान सुनाई थी। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी पूर्णिया की चुनावी सभा में ऐलान किया कि ये चुनाव अब उनके लिए आखिरी चुनाव है। नीतीश ने कहा कि अंत भला तो सब बना, यानी कि नीतीश कुमार जनता को आखिरी बार मौका देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं कि अब वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसीलिए उन्हें आखिरी मौका दे दें। नीतीश ने आखिरी वक्त में आखिरी मौका मांगकर जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। परसों वोटिंग है और उसके पहले नीतीश के ऐलान का चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही तय होगा। आखिरी दिन नड्डा ने तेजस्वी पर खूब तीर छोड़े। तेजस्वी के विकास के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये लोग हमारे द्वारा किए गए विकास पर विकास की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग विनाश वाले लोग हैं। ऐसे में वहीं तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की 10 नवंबर को पूरी तरह से विदाई है। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। अब किसके दावे में कितना दम है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। क्या बिहार की जनता नीतीश को आखिरी मौका देगी? क्या बिहार की जनता युवा तेजस्वी को ताज पहनाएगी? क्या बीजेपी एलजेपी मिलकर सरकार को बनाने में कामयाब होंगे? चिराग अपने पार्टी को रोशनी दे पाएंगे? क्या चिराग बीजेपी के लिए हनुमान साबित होंगे? इन सवालों का आज हम इस डिबेट में जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव भी। पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। नीतीश ने वोट की अपील करते हुए कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश ने कहा कि अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। नीतीश कुमार ने गुरुवार को कटिहार और पूर्णिया में कई रैलियां की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू राज के जंगल राज को एक बार फिर कोसा और विकसित बिहार के लिए एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। उधर दरभंगा में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है कि अब मजबूरी में महागठबंधन को भी विकास की बात करनी पड़ रही है। नड्डा ने कहा कि अब मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा, मिथिला नौकरी देने वाला बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। ये मिथिला की पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग, ये वर्ल्ड ब्रांडिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने इसको समझा है। विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मिथिला की पेंटिंग की चीज बनी हुई दी जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, वर्ल्ड ब्रांडिंग की जा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन को विधानसभा क्षेत्रों बेनीपट्टी और बलरामपुर में जनसभाओं को संबोधित किया और वोटरों से एनडीए प्रत्याशी को चुनने की अपील करी। उधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने धुआंधार 17 रैलियों को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह उब चुकी है, अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। ना बिहार को विशेष राज का दर्जा दिया गया, ना ही विशेष पैकेज दिया गया। नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को ये समस्या नजर नहीं आ रही, आप लोगों की परेशानी कठिनाई नजर नहीं आ रही। एलजेपी चिराग पासवान ने भी गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 8 रैलियां की। चिराग की हर रैली में नीतीश निशाने पर रहे।
चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे 10 नवंबर के बाद सीएम नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश ने 15 साल में बिहार को बदहाल और बदनाम किया है। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कारण से बिहार की व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है, उसी वजह यही तमाम चीज़ें कारण हैं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों से और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता का विश्वास, बिहारियों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 87 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदाता यहां 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने वोटरों को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना है कि जनता वोट देकर किसके सर पर ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दरअसल लोकतंत्र में आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया है। यानी कि अभी जो आखिरी चरण है उसके बाद अब 10 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता की पसंद कौन है, क्या एक युवा चेहरे को जगह दी गई है या फिर एक बार फिर से नीतीश की वापसी होगी, ये पूरी तरह से तय हो जाएगा। लेकिन इस बीच जब चुनाव प्रचार हुआ आखिरी चरण का, उसके अंदर खूब आरोप प्रत्यारोप के तीर चढ़े और साथ ही साथ ये भी कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या इसके सहारे नीतीश सत्ता तक पहुंचने की कोशिशों में हैं और क्या इसका लाभ इन चुनावों में मिलेगा, आज हम तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहसिन अली मासूमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ संजय सराफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोजपा के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर मोहसिन अली मासूमी जी आपसे ही है, चुनाव प्रचार का जो पहिया है, आखिरी चरण का चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया है, यानी कि अब 7 नवंबर को जब वोटिंग होगी उसके बाद 10 तारीख को ये तय हो जाएगा सर कि सत्ता में कौन काबिज है। लेकिन नीतीश कुमार का ये कहना कि आखिरी चुनाव है ये मेरा, इसके क्या मायने निकाले? नेहा जी देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये उनका आखिरी चुनाव है, क्योंकि वो 100% इस चीज पे, बिहार की जनता पे एतमाद रख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो 20-15 साल जो काम किया उन्होंने और जो बचा हुआ जो उनका और जो वादा किया है और जो बचा हुआ काम जो उनके जहन में है, वो उस सारे काम को वार फूट के 5 साल में वो करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो चुनाव दावेदारी अपनी, या दावेदारी तो उनकी कभी रही नहीं है, हमेशा जो है प्रोजेक्ट उनको किया गया है, यानी कि फिर वो चुनाव में जो है यही बात है। लेकिन मोहसिन जी सवाल तो इस बात को लेकर भी है ना कि 2004 से तो वो चुनाव लड़े ही नहीं है, अगर ये कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है तो कैसे देखें इसे, चुनाव कहाँ लड़ते हैं जी? चुनाव नीतीश कुमार सर कैसे लड़ते हैं, 2004 के बाद से तो वो चुनाव लड़े ही नहीं है, खुद चुनावी मैदान में नहीं कहते। इसी बात को तेजस्वी यादव ने भी पहले कहा था कि अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम तो सुशासन बाबू हैं, हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ के देखते, चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं खुद? नहीं, चुनाव तो हमेशा लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 2-2, 3-3 बार जो है एक क्षेत्र से निकले हैं और उनका भी इतिहास है, एमएलए का चुनाव कितना लड़े हैं, तो लड़े हैं। कह रहा है कि वो चुनाव लड़े नहीं है, विधायक जी का चुनाव कब लड़े हैं, विधायक का जी विधायक का चुनाव कब लड़े हैं कह रहे, राजेश जी बोल रहे हैं जी? हाँ राजेश जी बोल रहे हैं मोहसिन साहब। राजेश जी आप इतने सीनियर होकर के आप ये कह रहे हैं कि वो विधायक का चुनाव कभी नहीं लड़े हैं? नहीं लड़े हैं, कब लड़े? 2004 के बाद कब लड़े हैं सर? 2004 के बाद कुछ रहे ना, तो चर्चा हो रही है बिना चुनाव, यानी बिना चुनाव के जो है, अरे भाई वही 1985 के बाद कब लड़े हैं? वो एमएलसी कोटा से वो है और वो मुख्यमंत्री है बिहार के, तो ये मालूम है ना,
तो वो सवाल ये कि 1985 के बाद कभी चुनाव लड़े हैं क्या? लोकसभा चुनाव लड़े जिसके अंदर कितनी विधानसभा आती है, तो जब वो और मतदाता उनको वोट देकर के एमपी बनाते चले गए, तो ये कौन सी बात हो रही कि वो चुनाव नहीं लड़े हैं? उन्होंने तो ये तो कोई बेमानी बात है कि चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव तो हमेशा लड़े हैं। वो जब लोकसभा का लड़े हैं तो समझिए कि उसके अंदर कितनी विधानसभा है, सारे विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनको नेता मान करके उनको लोकसभा पहुंचा। सर, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा का अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन राजेश यादव भी सवाल इस बात को लेकर है सर, जेपी नड्डा की भी रैली हुई, अब लगातार जो रैलियों का दौर रहा आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए, उस पर तेजस्वी यादव पर खूब आरोप लगाए गए, सीधे तीर छोड़े गए, और ये भी कहा कि आज इनको विकास की याद आ रही है, विकास की ये बात कर रहे हैं क्योंकि एनडीए ने मजबूर कर दिया है विकास की बात करने के लिए, नहीं तो ये विनाश वाले हैं। नेहा जी, हमसे पूछ रहे हैं जी। नेहा जी, जेपी नड्डा जी का भी आखिरी अध्यक्षता के नेतृत्व में चुनाव है, और माननीय नीतीश जी ने तो कह ही दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। ये दोनों हार रहे हैं और ये दोनों का आखिरी चुनाव है, जेपी नड्डा जी का भी आखिरी अध्यक्षता का चुनाव है, जिनके अध्यक्ष में आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं वो, और जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करते नहीं है, जो जैसा रहता है वैसे ही बोलता है, और कौन युवराज है, कौन युवराज बनेगा, कभी बोलते हैं लाठी पुलामन, कभी बोलते हैं क्या क्या बक रहे हैं नड्डा जी, टोपी उनको उड़ जा रहा है, बोल रहे हैं तो उनका टोपी उड़ जा रहा है, नाम लेते हैं टोपी उड़ जा रहा है, तो इस तरह के बकवास की बात कर रहे हैं लोग, चुनाव हार रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है, कांग्रेस का है, राष्ट्रीय जनता दल का, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये महागठबंधन भारी मतों से जीत रही है, और इसलिए ये लोग अस्पताल, ये तो 10 नवंबर को तय हो जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो 10 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन मेरा आखिरी चुनाव है, नीतीश जी ने मान लिया कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद उनको चुनाव लड़ना नहीं, हो सकता है पीएम का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का सपना दिख रहे होंगे। चलिए ठीक है, संजय जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, लगातार लोजपा नीतीश कुमार पर निशाना साधती हुई आई है, कभी आरक्षण का दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो कभी आपने देखा कि आज उनका ये कहना है कि जो ये चुनाव है वो उनका आखिरी चुनाव है, ये लगातार जो बयान आ रहे हैं या फिर जो कार्ड खेलने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? कोई नहीं, वजह यही है कि अब वो पूरा कंप्लीटली लूज कर चुके हैं हर एक चीज को, जिस तरीके से उनको, जैसे चिराग जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट के माध्यम से जितने पत्र लिखे, अगर वो मानते भी नहीं थे चिराग जी को, लेकिन एक संसद होने के नाते भी तो मान लेते, महामारी हुई थी, इतने लोग बेचारे 40 लाख लोग को बाहर ही इन्होंने बॉर्डर के बाहर रखा, उनको बोला बिहार के अंदर में आने नहीं दूंगा, जब इन्होंने बोला तो चिराग जी ने पत्र लिखे, पत्र लिखने का काम कर दिया सबको, उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, होम मिनिस्टर साहब को लिखा, वो प्रशंसा करने लगे, और जब इनको लिख रहे हैं तो इनका मुंह चढ़ गया, ये बात नहीं करना चाहते थे। प्रॉब्लम है कि ये थक गए हैं, अब मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, ये खाली बोलते हैं लालू जी के 15 साल 15 साल, ठीक है लालू जी के 15 साल घातक थे, उसने कुछ नहीं वहां पर दे दिया, बट उसके बाद में इन्होंने 5 साल काम किया, उसमें भी कोई शक नहीं है, बट उसके बाद में 10 साल क्या किया, पिछले 5 साल में उन्होंने क्या दे दिया बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया, कौन सी इंडस्ट्री दे दी, जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सब बाहर के लोग आ गए, कहीं पर भी जितनी ऑलरेडी यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री थी या कुछ थी वो सब यहाँ से खत्म हो गया। तो अगर हम लोगों ने, चिराग जी युवा होने के नाते, अगर वो युवाओं की बात करते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में नेशनल यूथ कमीशन को लेकर बात करते हैं या युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, इनको मुंह क्यों चढ़ता है? ठीक है, रिएक्शन ले लेते मौसम जी से, रिएक्शन ले लेते मौसम जी, क्या बात है, पहले के 5 साल तो काम किया, उसके बाद से के जो 10 साल रहे उसमें नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, और क्या ये जो बयान है उसे एक डर के तौर पर देखें, एक भय के तौर पर देखें, क्या ये डर और भय सता रहा है नीतीश कुमार को कि एक बार फिर से हम सत्ता पर नहीं आने वाले, इसलिए ये आखिरी चरण का जो चुनाव है ये अपने पक्ष में करने के लिए ये कार्ड उन्होंने खेल दिया है कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसे देखा जाए क्या इस बयान को? मेरे से बात कर रहे हैं मासूमी जी से, मेरा सवाल है जी। देखिए ये जो है कि ये आखिरी है, इसका तो मैंने उत्तर दे दिया आपको कि बचा हुआ जो 5 साल जो है
देखिए बहुत सारे, देखिए वो एक समझदार व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी, वो उनको पता है कि इस बार जो है हमको 100% वो इसलिए नहीं दिए है कि भाई हमको इसका कुछ लाभ मिले, वो क्लियर कट उनका स्टेटमेंट है कि वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अब जो ये 15 साल जो हमने जितना विकास जितनी ऊंचाइयों पे ले गए हैं और अब उसको और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मेरे लिए 5 साल काफी है, उनका एक विजन है और उन्होंने जो कहा वो सर, वो विजन तो 15 सालों का अंतर, सर 15 सालों का जो कार्यकाल है ये कम नहीं होता है ना सर, 15 सालों में आपका विजन अगर पूरा नहीं हुआ तो ये कैसे सुनिश्चित हो कि इन 5 सालों में पूरा हो जाएगा सर? पहले हमको क्या मिला था, झारखंड अलग हो चुका था, बिहार में कुछ था ही नहीं, अब आप बताइए जब कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो से स्टार्ट किया गया, जीरो से पूरे बिहार को जीरो से स्टार्ट करके आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। नहीं ये कैसे सुनिश्चित हो सर, ये कैसे जनता को आप आश्वासन देंगे या सुनिश्चित कराएंगे? मोहसिन जी किस हालात में आपको बिहार मिला था और आपने किस हालात में पहुंचाया है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो सर कि अगर आपको 5 साल मिल जाएंगे तो आप अपना विजन पूरा कर लेंगे, जनता की भलाई होंगे, बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों आप बदल के रख देंगे, ये कैसे सुनिश्चित हो? देखिए जब जब जनता ने उनको मौका दिया उन्होंने सेवा किया और ईमानदारी से काम किया और सेवा नहीं की, सेवा है जनता कुमार के चेहरे को देख रही है और उनके काम को देख रही है, बोलने के लिए अनेकों काम करना चाहते हैं नेहा जी। अरे काम तो लगभग सब पूरा हो चुका है, अब तो काम तो बस ये है, इंडस्ट्री का जो है समझिए कि मशरूम की तरह इंडस्ट्री बिहार में लगाएंगे नीतीश कुमार जी, उसमें रोजगार कितने होंगे आप सोच नहीं सकते हैं कि रोजगारी रोजगारों का जो इंडस्ट्री लगाएंगे उनको अदर स्टेट से फायदा पहुंचेगा यहाँ इंडस्ट्री लगाने में, वो सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो नीतीश कुमार जी कहां पर तैयार हो चुकी है कोई जगह बता देंगे कहां पर तैयार हो चुकी है नेता जी? हाँ कौन सा रोड मैप दे देंगे आप? रोड मैप दे देंगे पूरा? आप इससे बड़ी दुखद क्या करता है अगर कोई भी नेता बोल रहा है कि मैं रोड दे दूंगा? सवाल मासूम जी ऐसे नहीं सवाल इस बात को लेकर है ना सर, अगर इतना रोड मैप आपका तैयार हो चुका है तो फिर ये डर और भय क्यों नजर आ रहा है, क्यों ये बौखलाहट नीतीश कुमार के बयानों में नजर आ रही है? क्यों ये नीतीश कुमार सर सुशासन की बात करते हैं, आप लोग लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि सुशासन के पथ पर चलते हुए नीतीश कुमार ने काम किया है, विकास के राह पर चलते हुए बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, सर उनके बयानों में अब जो बौखलाहट नजर आ रही है वो हमेशा मर्यादित भाषा में बात करते थे, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इस रैली में कहीं ना कहीं वो मर्यादा को लांघते हुए नजर आ रहे हैं जो उनकी अभी तक जो अभी तक उनकी भाषा की भाषा नहीं रही सर, नहीं लगता? देखिए नेहा जी उनके सब्र का तो पैमाना छलक चुका है फिर भी वो संयम रखे हुए हैं, उनपे प्याज लोग फेंक रहे हैं, ये लोग जो है लोजपा वाले आरजेडी वाले, पता है एक जो है बिहार का मुख्यमंत्री जो 15 साल रहा है आज क्या मतलब क्या सीखा इन लोगों ने इनके पार्टी के वाले, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, लोजपा वाले आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं बिहार के युवाओं की तरफ, लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है नौजवान है वो आपसे हिसाब मांग रहा है, युवाओं का मंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं। आप ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि जो रैली में प्याज फेंका गया पत्थर फेंका गया वो आरजेडी या लोजपा ने फेंकवाया, ये कह रहे हैं आप? अरे 100% है, वो भी चीज क्लियर आ जाएगी, ये तो लोजपा का सबसे बड़ा रोल है और आरजेडी का इन लोगों की जो है जो डबल इंजन चल रहा है इन लोगों का, ये लोग डबल इंजन हमारा चल रहा है भाजपा के साथ में, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी लोजपा के साथ में, रैली मैदान में कर रहे हैं ये तो रैली, नीतीश जी ने अपनी तैयारी कर रखी है ममता बनर्जी के साथ अकाली दल के साथ साउथ के नेताओं के साथ में, वो तैयारी अपनी कर रहे हैं, भाजपा भी ये समझ रही है वो तैयारी अपनी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में 2024 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश बाबू, चिराग पासवान किस चीज की तैयारी कर रहे हैं संजय सराफ जी? जो पकड़ा चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बिहार में, आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नाम पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि लोजपा और बीजेपी की सरकार बनेगी, वहां प्रधानमंत्री पत्र लिख देते हैं बिहार की जनता को
कि एक बार फिर से हमें एनडीए की सरकार चाहिए जिसके लिए आपको वोट करना है? सर ये कैसे देखे? हम भी तो एनडीए वाले हैं ना, हम तो सेंटर के एनडीए। अभी तो आप अलग लड़ रहे हैं ना चुनाव, अभी तो आप चुनाव अलग लड़ रहे हैं, अभी आप एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं क्या बिहार में? देखिए ये कौन सा गठबंधन है सर आपका, कौन से एनडीए की बात आप कर रहे हैं सर? मेरी बात भी सुनिए ना, नेशनल अलायंस के बाद में हमारी अपनी पार्टी है, जैसे भाजपा की पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, आरजेडी की है, वैसे लोजपा की अपनी पार्टी है। तो हमारा गठबंधन झारखंड में, बिहार में क्या आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे ना सर, तो एनडीए की बात छोड़ दीजिए ना सर। अभी तो प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है बिहार वासियों को, उसमें कहा है कि एनडीए की सरकार बनाइए। एनडीए मतलब जनता दल यूनाइटेड, हम, बीजेपी, ये जो गठबंधन है उसकी बात मैं कर रही हूँ। इनके पास सोशियोलॉजी के अलावा कोई जवाब नहीं है नेहा जी। जब गठबंधन में है नहीं, मोदी आपके पास क्या है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो है उसमें रोड मैप है क्या? हम कितने लाख बच्चों को रोड मैप दे सकते हैं? संजय जी ये कौन सा तीर चला रहे हैं सर? ये थोड़ा समस्या पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार को नीतीश की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि हम तो लोजपा और भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं सर। तो लोकतंत्र में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया, यानी कि अब 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे सामने होंगे और ये तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे जीत का ताज पहनाया है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, सवाल इस बात को लेकर है। अभी संजय सराफ जी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल कर रही थी। सवाल ये है कि आप तो कहते हैं कि ये भाजपा और लोजपा की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार को एक बार फिर से नीतीश कुमार की जरूरत है, ये कैसे तय हो कि जो आपका दावा है सर वो सही है और भाजपा भी उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? संजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश यादव जी सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि लगातार देखिए जोर आजमाइश जारी है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से देख लीजिए, तेजस्वी यादव की तरफ से हर तरफ से तेजस्वी यादव पर वार किया जा रहा है। जेपी नड्डा आते हैं तेजस्वी यादव पर वार करते हैं, मोदी आते हैं तेजस्वी यादव पर वार करते हैं, हर किसी की तरफ से तेजस्वी यादव को एक कहीं ना कहीं वार किया जा रहा है। ना वहां पर बात कांग्रेस की हो रही है ना किसी और राजनीतिक पार्टी की हो रही है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? नेहा जी डर लग रहा है क्या? नेहा जी जो मजबूत रहता है उसी पर वार नहीं किया जाता है। इन लोगों को समझ में आ गया है कि तेजस्वी जी क्या हैं और सभी लोग तेजस्वी पर वार कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग तेजस्वी से ही हार रहे हैं। हारने वाला ही जीतने वाला पर वार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो, नीतीश कुमार जी हो, जेपी नड्डा जी अभी बोल रहे हैं, वो तो खाली बोल रहे हैं लाठी पिलावन और लाठी भांजन का भाषण खाली दे रहे हैं। जो मूल समस्या है राम जनता का, 15 साल में क्या काम किए नीतीश जी, 15 साल में क्या, 2.5 साल तो मेरे साथ रहे, 2 साल 15 से लेकर रह गए, मैनेजेंट हम लोग साथ ले लिए और चले गए, इसलिए बिहार की जनता उनको पलटू राम बोलता है। मोहसिन जी वहाँ बैठे हुए, मोहसिन जी 15 के चुनाव में होंगे, तो हम लोग 15 के चुनाव में पूरा घूम रहे थे और हम लोगों के वोट लेकर के बन गए मुख्यमंत्री और सृजन घोटाला या मुजफ्फरपुर कांड है, बोलते कि अभी हम आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिरी चुनाव है इसका मतलब माननीय मोदी जी को भी बोल रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार रहेंगे, विधानसभा हम नहीं लड़ेंगे, विधानसभा तो हार रहे हैं। तो इस तरह का ये सारे लोग दोनों जो है भाजपा और जदयू दोनों सांप न्योले की लड़ाई लड़ रहा है, कभी ऊपर ये सांप न्योले की लड़ाई लड़ रही है, लड़ रहे हैं और बिहार की जनता सब देख रही है। और अभी जो तीसरा चरण में जो चुनाव होने वाला है, पिछले बार भी 15 में अभी जो चुनाव हुआ अंतिम चरण में चुनाव था, अंतिम चुनाव में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां करेंगे, क्या हासिल क्या हुआ था इनका 15 में? आज वही हासिल इनको अंतिम चरण के चुनाव में होगा, इनका मुंह खानी पड़ेगी और वहाँ बड़े पैमाने वो कोशिश परमंडल जो है वो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस का क्षेत्र रहा है वहाँ। और निश्चित रूप से इस बार फिर जो 15 में हमारा परिणाम आया था राजद के पक्ष में, वो उससे भी बड़ा समर्थन मिलेगा, कांग्रेस भी साथ में है,
लेकिन लेकिन राजेश जी उस वक्त देखिए समीकरण दूसरे थे, उस टाइम आप जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इस बार जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। बिहार बिहार में जदयू का कोई फैक्टर नहीं था, ये फैक्टर था लालू यादव का। हमारे साथ रह करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री तो हमेशा इसी तरह का करते हैं कि अभी अपने अपने तो इनकी ताकत है नहीं बिहार में लड़ने का। ये तो जेडीयू भी कह सकती है कि आपके हमारे साथ रह के आपकी ज्यादा सीटें आ गई, ये तो जेडीयू भी कह सकती है ना सर। इससे पहले जो दो विधानसभा चुनाव है उसमें क्यों नहीं आप अच्छी सीटें लेके आए? बिहार की जनता जानती है नेहा जी की 15 में ही यदि हमारे साथ नहीं आते, लालू जी के साथ नहीं रहते तो 15 में ही आउट हो गए थे। बिहार की जानते हैं 2005 में मोहसिन जी बैठे हुए, मोहसिन जी इस बात को जानते हैं। मोहसिन जी सच्चाई से आप भागिए मत, आप सच्चाई को जानते जी हैं। कितने इत्तेफाक रखते हैं राजेश यादव जी की बातों से। 2005 सच्चाई को सच्चाई से भागे नहीं मोहसिन साहब, अब तो बिजली सच्चाई यही है, हर जगह बल्ब है, मरकरी है, अंधकार से सच्चाई से भागे नहीं। 15 साल में 10 साल में नीतीश जी ने क्या किया तो आप बताइए, क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने ये किया? खाली तीन चीजों की बात करते हैं, सड़क का, पानी का, बिजली का, बच्चे तो जाएंगे कह वो लौट गया कह वो। लेकिन सर ये आरजेडी का जादू 2019 लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा? ये आरजेडी का जादू 2014 लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा? आप कह रहे हैं हम तो हमारी बदौलत जो है जेडीयू बेहतर सीटें ले आई। वोट ऑफ रेशियो देख लीजिए, मेरा वोट प्रतिशत देख लीजिए, 2019 का प्रतिशत देख लीजिए। कितनी सीटें आपने निकाली सर वो बताइए ना। एनडीए के सामने टिक पाए क्या आप? बीजेपी के सामने टिक पाए क्या? विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बड़ी अंतर था, अंतर है रहता है और था, और हम लोग उस समय भी इन पर बीस पड़ रहे थे। ये नीतीश जी ने कभी अकेले चुनाव लड़ करके, हम लोग तो अकेले भी चुनाव लड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल लड़ी है चुनाव, जदयू कभी अकेले चुनाव लड़ी, कभी जोर साहब के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर, और सबको धोखा दिए ही, जोर साहब को धोखा दिए, मोहसिन जी बचे हुए हैं, जोर साहब को किस स्थिति में इन्होंने बाहर कर दिया, शरद यादव को देश से बाहर कर दिया कि 3 साल में अध्यक्ष रहता है, अभी वशिष्ठ नारायण सिंह के कई साल से जदयू के अध्यक्ष बने हुए हैं, लागू नहीं होता है। मोहसिन अली मासमी जी जो आरोप राजेश यादव जी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कभी किसी के सगे नहीं हुए, कह रहे पलटू राम है, जहां हवा का रुख देखते हैं वहां पलट जाते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? पलटू राम बहुत ही समझदारी किया, और ये क्या समझ रहे हैं कि जो है अरे मुख्यमंत्री बनना क्या एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, सीट हार रहे हैं इस बार वो खुद अपना, और नीतीश कुमार तो मुखिया है, उनके तो जो वर्कर को टिकट मिलती है मोहसिन साहब, अरे इनकी अपनी अपना आत्मविश्वास है तो हरनौती से लड़ लेते, नालंदा से लड़ लेते, सिरसा से लड़ लेते, राजगीर से लड़ लेते, जब इनको आत्मविश्वास है इतना जनता मेरे साथ है क्यों नहीं लड़े? चलिए चलिए अब जनता को तय करने दीजिए सर कि क्या जनता चाहती है और किसको जनता जीत का ताज पहनाना चाहती है। तो लोकतंत्र में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की, और उसके बाद अब क्योंकि 7 तारीख को वोटिंग होनी है और 7 तारीख पर सभी की निगाहें हैं, और उसके बाद नजर रहेगी 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल इस बात को लेकर है संजय सराफ जी, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है इन चुनावों में कि आप तो बीजेपी के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तो आपको वोट कटुआ पार्टी कहते हैं, सर कैसे नैया पार लगाएंगे अपनी? संजय जी से, संजय सुन लेते हैं सर, राजेश जी आपके पास आएंगे सर, आपको पूरा मौका देंगे, संजय जी से सवाल है मेरा। देखिए मैम 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा कौन क्या है, नंबर एक। नंबर दो, आज ये जेडीयू और आरजेडी आपस में लड़ रहे हैं, इनको बोलिए 3 साल पहले तो आप दोनों भाई भाई बनकर मिले थे, गले मिले थे। नहीं नहीं सर, उस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या एलजेपी वोट कटुआ पार्टी है? अगर नहीं तो बीजेपी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है?
नहीं देखिए, जैसे बीजेपी पार्टी है, जैसे जेडीयू पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, वैसे ही लोजपा भी पार्टी है। हम किसी के नक्शे नगमों पर तो नहीं ना चलेंगे। हमारी अपनी पार्टी आप तो बीजेपी के साथ ही सर अपनी नैया पाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी हमारे दिल में बसते हैं, मैं हनुमान हूँ और मोदी हमारे दिल में बसते हैं। इस तरह नहीं नहीं सर, बात इस वजह से है ना सर कि आप तो कह रहे हैं कि मोदी हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार की जरूरत है। कर रहे हैं आज एनडीए में, अगर वो बाली है तो हम तो हनुमान है ही, उसमें क्या गलत बात है? सर वही तो सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर, यानी कि भाजपा और लोजपा का मिलकर सरकार बनाने वाली है, तो हम तो और भाजपा क्या गठबंधन, भाजपा सुन लीजिए ना सर, सुनिए ना, सुनिए ना सर, बाहर जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात, आई कमिटेड, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आप तो कह रहे हैं ना सर, लेकिन भाजपा कुछ और कह रही है ना सर, भाजपा ये कह रही है, कुछ नहीं कह रही है भाजपा, कोई गलत बात नहीं कर रही है भाजपा, भी यही बात कर रही है कि हम गठबंधन में है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश को नीतीश कुमार की जरूरत है। सुना भाजपा से, प्रधानमंत्री ने तो किया, आपने माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुना कि भाई लोजपा अलग है और भाजपा अलग है? पार्टी और हम है और कोई नहीं है, उसके बारे आप कुछ भी बोल दीजिए, आपके कहने से क्या होता है? मोहसिन जी, मोहसिन जी, मोहसिन जी लालच में पड़े हुए हैं, मोहसिन जी, चिराग पासवान जी के हम लालच में नहीं पड़े हैं, मोहसिन जी, मोहसिन जी, जेडीयू के, जेडीयू, जेडीयू 2005 में याद करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आप चेहरा नहीं देखना चाहते थे, दिल्ली में जगह फोटो नहीं लगाना चाहते थे, आज उसी तरीके से नीतीश बाबू का फोटो गायब हो गया उनके पोस्टर पर। ये जो है रामविलास पासवान जी जो एक एक नेता थे, एक लीडर थे, कम से कम शर्म तो करो, स्वर्गवासी नेता पासवान जी का नाम मत लो, को अपने परिवार को सबको खत्म कर दिया आपने मोहसिन जी। अरे भाई आपके नेता के पास अगर परिवार नहीं है तो सवाल ये है, जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे हैं, ऐसे नहीं, प्रधानमंत्री क्लियर बोलिए कि हम चार लोग हैं, फिर आपके आपके परिवार के पास अगर चिराग जी जैसा कोई हुनर बच्चा नहीं है तो मेरी गलती है, उसका बच्चा सवेरे एक जगह होता है, शाम को दूसरी जगह बैठा होता है, वो भी अगर उस लायक होता तो उसको फील्ड में उतारते, अपने साथ लाते, राजी करने नहीं आया। अगर ये मिल करके चुनाव लड़ते तो कितना सम्मान की बात होती है, हम लोग साथ साथ लड़ चुके हैं। मोहसिन जी सुन लीजिए ना सर, संजय जी कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं भले ही बीजेपी, बीजेपी जो है वो बीजेपी के कुछ नेता वोट कटुआ पार्टी लोजपा को कह रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कभी ऐसे नहीं कहा। प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां होगी, तेजस्वी यादव पर वार किया गया, महागठबंधन को खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन लोजपा को तो नहीं कुछ कहा गया, क्यों? क्या ये पीछे से कोई खेल चल रहा है क्या? तो अपने अपने भाषण में एक नहीं चार चार बार बोले, कभी नहीं बोले, आप अपने दिल को क्यों खुश कर रहे हैं लोगों? क्या बोला? एक सेकंड, एक सेकंड संजय जी, मोहसिन जी क्या बोला बता दीजिए, मोहसिन जी क्या सुना आपने? सीआईसी कट गए ना, अब सबको नाम लेकर के बोलना पड़ेगा क्या? पता नहीं क्या बोला बता दीजिए ना मोहसिन जी। प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी ने तो क्लियर कह दिया कि यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो क्लिप दिखाइए, ऑडियो क्लिप दिखाइए, सुनिए सुनिए पहले संजय जी सुन लीजिए क्या बोला मोहसिन जी ने, क्या सुना हम सुन लेते हैं ना सर, सुन लेते सुन लेते, समझ रहे थे कि मैं तो सुपर स्टार, सुपर स्टार भी नहीं रहे, फिल्म दुनिया में फ्लॉप और राजनीति में भी जो है खत्म कर दिया इन्होंने पूरी पार्टी। मोहसिन जी क्या बोला प्रधानमंत्री ने लोजपा के खिलाफ बता दीजिए ना सर। हम लोग जेडीयू के हिसाब से खड़ा होने वाले थे क्या? ना खिलाफ यही बोलना क्या? हम नीतीश बाबू के हिसाब से जो युवाओं का गला घोट रहा है, हम उसके हिसाब से खड़ा होने वाले थे क्या? हमारा नेता नीतीश बाबू थोड़ी ना है, हमारा नेता चिराग पासवान जी इतना बल दे चुके हैं, इतना शिक्षित कर चुके हैं कि पूरे बिहार चिंतित नहीं कर चुके हैं। आप बताइए आपने युवाओं के लिए किया क्या? देश का अभी तक क्या किया युवाओं के लिए? अरे युवा कम से कम एक पॉइंट मेरे को बताइए, अगर नेशनल यूथ कमीशन चिराग पासवान जी ने पार्लियामेंट में उठाया, आप बताइए आपने बिहार प्रदेश में क्या किया युवाओं के लिए? क्या किया? पलायन का मुद्दा अभी भी ऐसी की ऐसी बरकरार है सर, कोविड में आईटी इंडस्ट्रीज सर, लॉकडाउन में हमने देखा कि किस तरह से बिहार के जो युवा है वो वापस बिहार में पहुंचे और किस तरह का उनका नतीजा रहा, और पलायन का जो एक मुद्दा है वो आज का विषय नहीं है सर। हमने यहाँ पर जो सरकार है
वो आरजेडी की भी देख ली सर, जेडीयू की भी देख ली, लेकिन ये मुद्दा ऐसी की ऐसी बना हुआ है कि समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई है जो कि वाकई चिंता का विषय है। तो लोकतंत्र में बात आज बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के रैलियों में यानी कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो बहुत जमा हो रही है, लेकिन राजेश यादव जी क्या ये जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? अगर हाँ तो कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत उदाहरण देखे हैं सर जहां पर रैलियों में तो भीड़ बहुत होती है लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती। जब प्रधानमंत्री के भीड़ में भीड़ को वोट में तब्दील कहा जा सकता है तो तेजस्वी जी के भीड़ में वोट का तब्दील क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी का भीड़ है वो वोट में तब्दील कर देता है, नीतीश जी का तेजस्वी जी का क्यों नहीं होगा? डिप्टी सीएम की जब वो डिप्टी सीएम थे। और सुनिए, अभी जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का, अभी आप जिक्र कर रहे थे लोक जनशक्ति का, तो प्रधानमंत्री यदि नहीं मानते हैं लोक जनशक्ति को तो अभी चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी लिखते क्यों नहीं है? चिट्ठी लिख के दे देते हैं कि हम एनडीए से केंद्र से हट गया है। ये दोहरा चरित्र है इन लोग का और दोहरी चरित्र पर ये बराबर दोहरा चरित्र अपनाते रहे हैं पूरे देश के साथ। अभी एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं है, इस तरफ केंद्र में बनाए हुए एनडीए में उनको शामिल रखे हुए हैं। क्यों? ये देश की जनता और बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि ये लोग दलित को वोट में इसलिए यूज करते हैं और जब हो जाता है उसको फेंक देते हैं। बिहार के जो दलित हैं पिछड़ा है वो समझ रहे हैं। क्या लोजपा से डर लग रहा है क्या? आरजेडी को लोजपा से डर नहीं लग रहा है? लोजपा से उनको डर लग रहा है और कभी कहते हैं लोजपा मेरे साथ नहीं है, फिर उनको साथ रखे हुए हैं। तो ये नीतीश जी का है, वो नीतीश जी को हरा रहे हैं या नीतीश जी भाजपा को हरा रहे हैं ये तो राज्य की जनता समझ रही है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के भीड़ को, तेजस्वी जी का भीड़ को भीड़ मत समझिए, वोट समझिए। और इस बार वोट में तब्दील होने जा रहा है और इनको पता चल जाएगा भीड़ वोटों में तब्दील होने लगी तो चिराग पासवान भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी तो बहुत सीटें आने वाली है क्योंकि हमारी भी जो रैलियां हैं उसमें बहुत भीड़ है। हो सकता है, हम नहीं बोल रहे हैं, एक जदयू वाले बोल रहे हैं कि वोट कटवाए, हम नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी नहीं कहा कि चिराग जी वोट कटवाए, हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोगों को डर है, ये लोग बोल रहे हैं, ये जदयू करते हैं वाला कहावत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उधर चारा फेंक रहे हैं कि अगर क्रम आ जाए मेरा तो मिल। नहीं नहीं, आप सुशील साहब, आप माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा गठबंधन से अलग हो गया, एनडीए से अलग है? ठीक है संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर समीकरण कुछ चुनावक के बाद ऐसे बनते हैं, सुन लीजिए सर, हमारे साथ बस यही चार है। ठीक है संजय जी, अगर समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं ऐसे नहीं, एक एक करके देखिए, आप लोग फोन लाइन पे अगर ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहे हैं आप लोग। एक एक करके बात रखिए। संजय जी से सवाल है मेरा, संजय जी सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी राजेश यादव जी कर रहे थे कि हमने तो कभी लोजपा को वोट कटवा पार्टी नहीं कहा, लेकिन सर चुनावों के बाद अगर समीकरण कुछ ऐसा बनता है कि अगर आरजेडी की सरकार या महागठबंधन की सरकार आपके समर्थन से बन रही होती है तो क्या आप जाएंगे महागठबंधन के साथ? नहीं नहीं, महागठबंधन का कोई रोल ही नहीं है, हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर ही रहेंगे। जो नेशनल अलायंस है ना, संजय जी सवाल इस बात को लेकर है, सवाल ये इसलिए उठ रहा है, आप दोनों मिल करके आरजेडी को मैडम चुप कराइए, बोलिए जब हम बात करें तो वो चुप करें, नहीं तो उनके बात के टाइम हम कभी नहीं बोल रहे हैं। शांति है सर, ऐसा तो देखिए नहीं है ना संजय जी, संजय जी ऐसा तो नहीं है ना कि कभी आपने इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई हो, सरकार तो आपने बनाई है। और एलजेपी के रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे, वो पहले ही भांप लेते थे कि कहां पर हवा का रुख रहेगा, कहां पर वोट पड़ेंगे और किधर की तरफ हमें जाना है, तो उनका जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक विश्लेषण रहता था या वो सोच जो रखते थे वो बिल्कुल सटीक साबित होती थी। तो ऐसे में सर यही कहा जाता है कि लोजपा कहीं ना कहीं जहां पर सरकार बनती है वहीं पे चली जाती है, तो क्या हम इस संभावना से इनकार कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो बताइए। ये पलटू राम जी जो कर रहा है वो आरजेडी और जेडीयू आपस में कर रहा है। पासवान साहब, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब भी डिसीजन होता था वो एमपी बनने से पहले होता था, लोकसभा में जितनी बार वो आ गए आप कभी भी देख लीजिए, एक भी मेरे को
एक बार आप दिखाइए कि वो इलेक्शन के बाद में गए हैं बनने के बाद, वो हर वक्त पहले जाते थे। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं दैट हैज नो मीनिंग एज ऑन डेट। मेन चीज है कि हमारी अपनी पार्टी है, इनको प्रॉब्लम क्या है, ये सब लोग कहते थे 4% के हैं 6% के हैं, तो हम लोग ने कहा हम भी अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम दिखाएं हमारा कितना परसेंटेज है। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, जब जेडीयू अपना अलग लड़ेगी लोजपा क्यों नहीं लड़ सकती है, भाजपा अलग लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगी, तो हम लोग का कोई मैडम यह है लेकिन संजय जी देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भले ही आप नीतीश कुमार पर बात करते हुए आए हैं, नीतीश कुमार को घर में खड़ा करते हुए आए हैं, विकास को लगातार नीतीश कुमार को कोसते हुए आए हैं सर, लेकिन ये भी आप मानेंगे ना संजय जी, हमारे पास कुछ नहीं है संजय जी, ये भी आप मानेंगे ना सर कि एनडीए में आपकी दाल नहीं गली इसलिए आपको अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा, कोशिश तो आपने भी खूब की बीजेपी के साथ भी बैठक की। मैम मेरी बात सुनिए, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द एलायंस मीटिंग, कहीं पर भी हमारी नंबर पर भी बात नहीं होगी, हमारी पर्टिकुलरली बात होगी बिहार के युवाओं के रिलेटेड, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हमने विजन डॉक्यूमेंट माननीय नीतीश जी से बात की थी उन्होंने मना कर दिया, वही डॉक्यूमेंट पर हमारी होम मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री जी से बात की उन्होंने प्रशंसा की, जब हमने बोला कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आना चाहिए जिसमें हमने पूरा रोड मैप दे रखा है बिहार के युवाओं के रिलेटेड, लेकिन ये एंटी युवा पॉलिसी चला रहे हैं यहाँ नीतीश बाबू। 40 लाख आप बताइए मैम, 40 लाख साथी हमारे बिहार के युवा नौजवान माँ बहन बेटी बड़े बुजुर्ग अपना दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इनको आज तक एहसास हो गया कभी कि जो बिहार का स्टूडेंट है जो पढ़ता है वो भी बिहार में नहीं बेचारा पढ़ सकता है, ना इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो ये चुनावों से पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अभी जब विधानसभा चुनाव आते हैं उससे एन पहले ये सब आ जाता है कि पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सर रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे, इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं निकल पाया सर, और ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले सत्ता में नहीं रहे, आप भी सत्ता में रहे हो सर, क्यों नहीं इस मसले का समाधान निकल पाया? डेढ़ साल से मैम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए जो चिराग जी पूरे बिहार प्रदेश में घूमे हैं, पिछले डेढ़ साल से पूरे बिहार में घूमे हैं, इसलिए हमने 143 सीटों पर लड़ा। एक तो हमारा अलायंस पार्टनरशिप बीजेपी के साथ पहले से ही है, एनडीए पार्टनर्स उनके अगेंस्ट नहीं, बार वहां पर भी हमने वहां उठाया जहां हमारा कार्यकर्ता स्ट्रांग था सक्षम था लड़ने लायक, या को जो हमारे विधायक ऑलरेडी थे वो उठाए, बाकी हमने खुलकर पहले से ही बोला कि भाई हम लोगों की किसी से पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए है। ठीक है मोहसिन जी, मोहसिन जी जिस बात का जिक्र अभी संजय सराफ जी कर रहे हैं कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको हटा दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगारी की कगार पर युवा पहुंच गए हैं, पलायन का जो एक विषय है ये बहुत ज्यादा गंभीर है, इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने पलायन को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया और आज भी ये मुद्दा जस के तस है, मानते हैं इस बात को? नेहा जी युवा जो यहाँ 15 साल में जो पढ़ाई का माहौल हुआ और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर के IIT और BIT सब खुल गया, अब तो बच्चे पढ़ करके अब तो जॉब लेंगे वो, और बिहार में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है और अब इंडस्ट्री वगैरह जो आएंगे जो बच्चे कुछ लोग हैं वो सब यही है, तो नहीं है तो नहीं सर, ये देखिए ये सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है सर, ये तो बिहार का युवा कह रहा है कि हमें पढ़ना है, शिक्षण संस्थानों की कमी है, हमें आगे बढ़ना है, रोजगार नहीं है, इसका क्या किया जाए? अभी आप कह रहे हैं कि 5 साल और मिल जाए तो हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें, लेकिन कैसे माने कि आप कर सकते हैं? ये 5 साल में कैसे आएगा और इस पर बिहार का युवा क्यों इनके ऊपर भरोसा करेगा, किस बात पर भरोसा करेगा, जब मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पास पैसावा कहां से है, पैसावा नहीं है, रोजगार नहीं दे सकते, रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर सकते, रोजगार नहीं क्रिएट कर सकते, रेलवे स्टेशन नहीं क्रिएट कर सकते, रोजगार दे चुके हैं आपको नहीं मालूम है, आप देख लीजिए सर 15 सालों में अगर आपने 6 लाख रोजगार दिए, 4.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, एक आपने फुलफिल नहीं की, बिहार का नौजवान सर 15 सालों में की पढ़ाई के लिए भी दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, सर 15 सालों में अगर आपने 6 लाख रोजगार दिए तो सर क्या वो सफिशियंट है, क्या 95,000 जो है क्या वो काफी है, क्या और 6 लाख से ऊपर जो है 15 साल में नौकरी दी जा चुकी है और आने वाले दिन में अब जो 5 साल रहेगा जो आने वाले दिन में सब बेरोजगारी देखिए ना बताइए
आप इसी मीडिया के चैनल के माध्यम से मेरे को बताइए कौन सा सेक्टर है, किस सेक्टर में आपके पास एम्प्लॉयमेंट का, नहीं तो मेरे साथ डिस्कस करिए। आप कोई भी आपका जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो भी आपका स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो डॉक्टर आलोक है, किसको मेरे साथ खुलकर इस पर डिबेट करवाइए। ठीक है राजेश यादव जी, ये मुद्दा तेजस्वी यादव ने भी खूब उठाया सर कि पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है, शिक्षा के स्तर का मुद्दा है, क्या इस मुद्दे के सहारे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? क्या उस नौकरी को काउंट नहीं किया जाएगा? अरे भाई जब शिक्षित होंगे तब ना नौकरी पाएंगे, शिक्षित तो हो चुके हैं और सब नौकरी पा रहे हैं, बिहार में भी बाहर भी लाइन हो रहे हैं, पढ़ाई का तो माहौल हो गया है। सुशासन बाबू हमें ये सुशासन का कब वहाँ पलायन को रुकने का क्या प्रयास किए? पलायन कभी ना रुकेगा सर, ये पलायन अभी से थोड़ी हो रहा है, जब आपकी सरकार थी तब भी पलायन हो रहा था। नहीं पहले भी हो रहा है, मैंने आज बात मेरी बात तो सुनिए, पलायन हो रहा है, पलायन पहले भी हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम सुशासन दिए हैं तो पलायन रुकने का हम प्रयास किए हैं, तो पलायन कभी ना रुकेगा जब राज्य में कल कारखाने खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे, भाई बड़ी बड़ी कंपनी खुलेंगे। सर ठीक है, अभी पलायन नहीं रुका, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो कि आपकी सरकार आ जाएगी तो पलायन रुक जाएगा? ये कैसे सुनिश्चित हो सर? आपका भी तो शासनकाल देखा है लोगों ने। नहीं आपने देखा है, हम लोगों ने जो दिया है तेजस्वी जी ने, पहले तो सबसे है कि 4.5 लाख रोजगार, सरकारी जो नौकरी है सरकार में, जो बचा हुआ है सरकार में पद रिक्त हैं उसको हम भरेंगे, उसके बाद रोजगार देंगे। तो ये लोग हमारे पर बात पर ये लोग बहस कर रहे हैं कि कहाँ से देंगे। सर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान क्या किया जनता ने वो भी देखा है सर, और उसी के बिहाफ पर कहीं ना कहीं ये भी एक आधार रहेगा कि वो अपने वोट पे चोट देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बात हुई बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की, और क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, अब 7 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 10 तारीख को ये तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे जीत का ताज पहना है, यानी कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन राज करेगा, ये पूरी तरह से 10 तारीख को तय हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।